IBN9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नर्मदा सिंचाई परियोजना के प्रशासनिक स्वीकृति होने पर युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव नईम अहमद के नेतृत्व में स्थानीय सयाजी द्वार पर आतिशबाजी व मिठाई वितरित कर हर्ष व्यक्त किया। पंडित रितेश त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मार्गदर्शन में नर्मदा जल को लेकर 7 फरवरी 2019 में चलाया जा रहा आंदोलन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसमें हाटपिपलिया के समस्त ग्रामों को व देवास के 72 ग्रामों को परियोजना से जोड़े जाने की प्रशासनिक स्वीकृति हुई। इसी तारतम्य में 2 मार्च से देवास से भोपाल तक पदयात्रा निकाली जा रही है, जो 9 मार्च तक जारी रहेगी तथा शेष योजनाएं एवं देवास नगर निगम में पेकी के प्लाटों की समस्या के संबंध में अपनी मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। नर्मदा परियोजना के प्रशासनिक स्वीकृति पर आतिशबाजी व मिठाई वितरण के दौरान पंडित जयप्रकाश शास्त्री, शौकत हुसैन, प्रदीप चौधरी, रोशन रायकवार, विक्रम पटेल, महेश गढ़वाल, राजा पड़ियार, अशरफ नागौरी, अमित तिवारी, विशाल भाटी, मुकेश सोलंकी, दीपक जाटवा, राहुल पटेल आदि उपस्थित थे। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट। बताइए, आज इंडियन कॉफी हाउस के वहाँ आतिशबाजी हुई, वो मिठाइयाँ बाटी, किस क्या है पूरा? अच्छा, जिस तरीके से सर्वविदित है कि नर्मदा परियोजना को लेकर देवास शहर के अंदर एक लंबे समय से आंदोलन चलता आ रहा था, माननीय दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में 7 फरवरी 2019 से उनके मार्गदर्शन और देखरेख में पंडित रितेश त्रिपाठी मित्रमंडल द्वारा सतत ये अभियान देवास की परियोजनाओं को, देवास के छोटे हुए गांवों को जोड़ने के संदर्भ में लगातार ये अभियान जारी था, जिसमें आज प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब वो कैबिनेट के अंदर मंजूरी के लिए प्रस्ताव गया है और बहुत ही जल्द ये स्वीकृति हम सबको प्राप्त हो जाएगी। तो उसी लिए आज एक बड़ा हर्ष का अवसर हम सबके बीच में आया कि राज्य शासन ने उसको प्रशासनिक स्वीकृति दी, जिससे उत्साहित होकर हम सब साथियों ने आतिशबाजी आज कॉफ़ी हाउस पर की है। और ये यात्रा, चूँकि उसके संदर्भ में एक लंबी यात्रा देवास से लेकर भोपाल तक 2 मार्च से 9 मार्च तक यात्रा पंडित रितेश त्रिपाठी मित्रमंडल द्वारा आयोजित की जा रही है, जो यात्रा अभी सघन भोपाल के पहुंच मार्ग के रास्ते में है और वो यात्रा भी निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि उसका निर्धारित समय 9 मार्च भोपाल पहुँचने का है, जहाँ पर अन्य कुछ छूटे हुए ग्राम हैं जिनको भी जोड़ने का प्रयास होगा और पेकी के प्लॉट के संदर्भ में भी वो अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? रोशन रायकवार, राष्ट्रीय संयोजक राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।